हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आईएएस आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट माय नेम इज़ अक्षय सोनी रीजनिंग मैंटोर एट अभिमन्यू आईएएस एंड टुडे इन दिस सेशन दैट इज़ फॉर अभ्यास 2.0 जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 के लिए है इस सेशन में जो कि रीजनिंग का एक सेशन है इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग uh, का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सीरीज़ सीरीज़ का मतलब है इसमें आपको नंबर सीरीज़ लेटर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज ये तीन टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो आज हम इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे साथ ही साथ इसमें हम एम को डिस्कस करेंगे पी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे पेपर में उनको हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले आपका जो सेशन है ये फोर्टीन सेशन है रीजनिंग का ठीक है दैट इज़ सीरीज़ नंबर सीरीज लेटर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ठीक है जैसे कि आपको पता है कि एस सी एस का प्रीलिम जो फास्ट ट्रैक बैच है जो कि सेवेंटी फाइव डेज का कोर्स है ठीक है इसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज़ में अगर हम बात करें तो अभिमन्यु आई एस जो कि नंबर वन इंस्टीट्यूट है आ, इसने सिलेक्शन दी है फोर्टी वन प्लस इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी सेवन प्लस इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेल हो रही हैं इसमें अगर हम दे, देखें इसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, सी सेट पीडीएफ पी नोट्स टेस्ट सीरीज़ और मैंटोरशिप ये चार ये, ये सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो रही हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अब मन्यू आई देखिए अब हमारा यहाँ एक टॉपिक है सीरीज सीरीज़ में आपको जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सीरीज में ये सभी चीजें इंक्लूडेड है नंबर सीरीज हो गया लेटर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज ठीक है नंबर सीरीज की बात करें तो आपको इस तरह से आएगा कि जैसे दो चार आठ, दस ठीक है और आगे क्या बनेगा तो आपको क्या करना अगला नंबर फाइंड आउट करना है ये नंबर सीरीज का एक एग्जाम्पल है लेटर सीरीज की बात करें तो इस तरह से आ जाएगा x डैश जेड डैश डैश आ, वाई इस तरह से ठीक है तो ये लेटर सीरीज का एग्जाम्पल हमें क्या करना है इसमें फिल करना है इसमें हमें नंबर को फाइंड आउट करना है इवन आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता ठीक है अब अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो उसमें आ जाएगा इस तरह से ए जेड बी वाई सी एक्स आगे क्या बनेगा इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा तो ये एग्जाम्पल है ठीक है हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे आगे ही हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्या इसमें रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे सबसे पहले देखिए नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या करना है डिफरेंस लेके देखना है डिफरेंस जैसे दो किन्नी भी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस पहले दो नंबर में फिर अगले दो नंबर में फिर अगले दो नंबर में फिर अगले दो नंबर तो आपको ये जो सीरी ये जो डिफरेंस होगा ये आपको एक आइडिया दे देगा बेसिक आइडिया कि किस तरह से ये नंबर रिलेटेड है एक दूसरे से कोई भी दो नंबर ठीक है जैसे इसमें क्या हो रहा है इसमें प्लस टू हो रहा है इसमें भी प्लस टू हो रहा है इसमें भी प्लस टू और इसमें भी प्लस टू और आगे क्या बनेगा इसमें प्लस टू ठीक है ये तो बिल्कुल आसान सा है ये बताने के लिए कि ये जो है दो चार छः आठ दस आगे क्या आएगा गया बारह ठीक है बट आपको आगे उसमें ऐसा भी हो सकता है नंबर जरूरी नहीं है कि सेम आए नंबर आपके इस तरह से भी हो सकते है, पहले दो आ गया फिर तीन आ गया फिर पाँच आ गया फिर सात आ गया फिर उसमें क्या बनेगा ग्यारह इस तरह से आपको प्राइम नंबर सीरीज भी हो सकती है और नंबर सीरीज भी हो सकती है इवन नंबर सीरीज भी तो कोई भी इसमें से आ सकती है इवन अगर आपको ऐसे कोई बड़ा नंबर दिखे जैसे कि इस तरह से आए दो फिर आ जाए आठ फिर आ जाए बत्तीस फिर आगे क्वेश्चन मार्क तो ऐसे अगर आपको मिल रहा है तो उसका मीनिंग है कि यहाँ पे क्या हो रहा है इससे बड़ा नंबर बन रहा है ठीक है देखो इसमें कितना गैप है इसमें छः का गैप है आगे इसमें कितना गैप है इसमें चौबीस का गैप है तो ये नंबर बड़ा हो रहा है इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कोई ना कोई और चीज़ इन्वॉल्व है मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है ठीक है देखिए दो का गुना अगर मैं चार से करूँगा तो आठ आ जाएगा आठ का गुना अगर बत्तीस से करूंगा तो आठ का अगर मैं चार से गुना करूंगा तो बत्तीस आ जाएगा अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा इसमें भी हमें चार से गुना करना पड़ेगा तो जब भी नंबर ऐसे एकदम से बड़ा हो रहा है तो उस केस में क्या बना करना आपने उसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें रिलेशन पॉसिबल रिलेशन क्या बन रहा है हमें उस नंबर को बना के देखना कई बार नंबर सेपरेट भी होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि इस तरह से आ जाए एक चार नौ ठीक है सोलह और क्वेश्चन मार्क अब देखिए ये सभी इंडिविजुअल नंबर्स हैं क्या है एक का स्क्वेयर दो का स्क्वेयर तीन का स्क्वेयर चार का स्क्वेयर और क्वेश्चन मार्क तो ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है तो मैंने सबसे पहले चीज जो बताई कि डिफरेंस लेके देखना है और डिफरेंस के बाद अगर नंबर एकदम से बढ़ा तो हमने मल्टीप्लेशन इसमें इन्वॉल्व करनी है अब बात आती है लेटर सीरीज की लेटर सीरीज में आपको इस तरह से दिया होगा ठीक है लेटर की पोजिशन हमें क्या करना है हमें पहले क्या करना है काउंट करना है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं विद इंक्लूडिंग दीज जो भी इसमें ब्लैंक्स हैं ठीक है थीके? इनको भी हमें इंक्लूड करना है तो कितने बन रहे हैं फिर क्या करना है फिर हमें चेक करना है कि कितने कितने के इसमें सेट बन सकते हैं ठीक है थीके? चार चार के सेट बन सकते हैं तीन तीन लेटर्स के सेट बन सकते हैं या पाँच पाँच के बन सकते हैं अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल है ठीक है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितने यहाँ पर बन रहे हैं टोटल उनको देखते हैं देखिए इसमें काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ है तो इसका मतलब है तीन गुना तीन मतलब तीन तीन के बनेंगे अगर हम इस तरह से तीन तीन के इसमें सेट बना दें तो ये बन जाएगा अब देखिए पहला लेटर एक्स है लास्ट लेटर जेड है तो पहला लेटर एक्स लास्ट लेटर जेड सिमिलरली देखिए इसमें वाई से पहले एक्स है और एक्स के बाद क्या बन रहा है Y तो यहाँ पे क्या आएगा ये तो ये बन गया हमारे पास ये लेटर सीरीज़ बन गई हमें क्या करना है सिर्फ ब्लैंक्स को वहां पे पुट करना है आपको वहां पे ऑप्शन होगी उनमें से चेक करना है थर्ड आती है अल्फाबेटिकल सीरीज की बात तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेटर्स की पोजीशन वैल्यू पोजीशन वैल्यू और साथ ही साथ इनके ऑपोजिट्स भी आपने याद रखना है ऑपोजिट्स का भी मैं आपको साथ में ही बता देता हूं ऑपोजिट्स होते क्या हैं अगर हम ए से लेके एम तक लेटर्स लिखते हैं और एन से एसी इस तरह से आपने लिख लिया ए बी सी डी ये ए से एम और एन ऑनवर्ड अगर आप रिवर्स में लिखोगे इस तरह से तो क्या होगा ये आपके ऑपोजिट्स हैं अब देखिए अगर आप ध्यान दें इस पे तो मैंने सिर्फ ऑपोजिट्स को लिखा ए जेड बी वाई सी एक्स आगे क्या आएगा आगे डी और डब्ल्यू आएगा जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है ठीक है पहचानने का तरीका देखो ये ऑपोज पोजिशन वैल्यू और ऑपोजिट्स है आपको कोडिंग डी में भी हेल्प करेंगे नंबर सीरीज में तो हेल्प कर रहे हैं एनोलॉजी टॉपिक है और क्लासिफिकेशन टॉपिक है उसमें भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको लेटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ बनती है ठीक तो है तो ये ऑपोजिट्स हैं और पहचानने का तरीका क्या है कि इनकी जो पोजीशन वैल्यू है उन दोनों का सम क्या बनेगा वो 27 बनेगा ठीक तो तो है तो ये तो होगी बेसिक बातें अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है हमें देखना है कि इसमें एकदम से नंबर तो नहीं बढ़ रहा तो हम क्या करेंगे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे कि कितना है चार से सात कितना हुआ चार और तीन सात सात से बारह पाँच ऐड कर दिया और बारह से उन्नीस सात ऐड कर दिया और उन्नीस से अट्ठाईस बनाना तो क्या करें नौ ऐड कर दिया और अट्ठाइस से अब देख सकते हैं प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन तो ये और नंबर सीरीज़ है ठीक है आगे क्या बनेगा प्लस इलेवन इलेवन एड करने पर क्या बना अट्ठाइस प्लस इलेवन कितना बना थर्टी नाइन ठीक है थर्टी नाइन जो कि ऑप्शन सी बन रहा है ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन था अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था आपको एग्जाम्पल के टाइम पे ये एक का स्क्वेयर है ये तीन, तीन का स्क्वेयर है ये पांच का स्क्र है इसी तरह का ऑलमोस्ट इसी तरह का ठीक है ये एक का स्क्वेयर तीन का स्क्वेयर पांच का स्क्र सात का स्क्वेयर आगे क्या आएगा नौ का स्क्वेयर नौ का स्क्वेयर है इक्यासी और ये क्या है ग्यारह का स्क्यर एक सौ इक्कीस तो क्या आएगा इक्यासी जो कि ऑप्शन बी बन रही है ठीक है कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं ठीक है थीके? अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे एकदम से बड़ा नंबर आपको मिल रहा है इसका मीनिंग है कि इसमें मल्टीप्लेशन इन्वॉल्व है एक से हमने एक बनाना तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई क्या करें एक का मल्टीप्लाई एक से कर दें तो एक ही रहेगा एक से मुझे दो बनाना है तो एक का मल्टीप्लाई दो से कर दो, दो बन जाएगा दो से छ बनाना है दो का मल्टीप्लाई तीन से कर दो छः बन गया अब छः से चौबीस बनाना है छः का मल्टीप्लाई चार से कर दो क्या बन गया चौबीस मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव तो कितना बनेगा एक सौ बीस अब एक सौ बीस का छः से मल्टीप्लाई करते हैं क्या ये नंबर बनता है तो बारह छः के बहत्तर ये बनता है सात सौ बीस ये बन जाता है इसका मीनिंग है कि हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 120 ठीक है जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है ओके अब आगे अगर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे बहुत सारे नंबर अवेलेबल हैं अगर ऐसा हो तो उसका मीनिंग है कि ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीरियस ऐसे चली कि की पहले से तीसरा नंबर तीसरे से पांच ऐसा भी हो सकता है बट आप देखिए थोड़ा थोड़े गैप में ये नंबर बन रहे हैं ठीक है एकदम से ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर बन रहा है तो पांच से अगर मैं तेरह को देखूँ तो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे पाँच से तेरह का डिफरेंस है आठ का तो आठ ऐड कर रहे हैं तेरह से बाईस को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नौ ऐड किया और बाईस से अगर आप देखें चौंतीस तो उसमें क्या ऐड किया यहाँ पे इसमें ऐड किया है बारह ठीक है और इसमें अगर हम देखें तो कितना बन रहा है चौंतीस से इक्यावन ठीक है ये जो सीरीज है हो सकता है कि इसमें आपको रिलेशन देखने को मिल जाए कि ये सीरीज का भी मतलब डिफरेंस का भी डिफरेंस देखने को मिल जाए तो यहाँ पे देखिए चौंतीस से इक्यावन तो क्या बन रहा है इसमें यहाँ पे सत्रह ऐड हो रहे हैं इनमें डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस का डिफरेंस आठ से नौ बनाना है तो प्लस एक नौ से बारह बनाना है प्लस तीन बारह से सत्रह बनाना है प्लस पाँच अब आगे देखिए क्या बन रहा है इक्यावन से पिछहत्तर बनाना है तो क्या हो रहा है प्लस चौबीस हो रहा है यहाँ पे ठीक है और पिचहत्तर से एक सौ आठ बनाना है तो क्या बन रहा है इसमें यहाँ पे थर्टी थ्री हो रहा है ठीक है अब आप देखें इसमें डिफरेंस सत्रह से चौबीस प्लस सात और आगे देखिए प्लस नौ और आगे क्या बनेगा प्लस ग्यारह बनेगा तो ये कितना बनेगा आप देख सकते हैं आठ और चार बारह मतलब इसमें कितना हो गया ये चवालीस ऐड हो रहे हैं तो तेतीस में ग्यारह ऐड कर दे तो तब भी चवालीस ही होते हैं ठीक है और चवालीस से अब आप देख सकते हैं इसमें क्या करेंगे इसमें तेरह ऐड करेंगे तेरह ऐड करेंगे तो चवालीस और तेरह कितने बनेंगे सत्तावन तो यहाँ पे सत्तावन ऐड करेंगे अब देखिए सात और दो कितने होते हैं नौ अगर हम ऑप्शन में भी देखें तो हमारी ये ऑप्शन बनेगी दो सौ नौ ठीक है अब ऐड करके देखते हैं जैसे कि सात और दो नौ पांच और पांच दस ठीक है तो इसका मतलब है दो इसका आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है ठीक है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ये जो है आपका रू जो उसमें रोल हमारा यूज हो रहा है ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ठीक है तो ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है तो आपको एक बार जरूर गो थ्रू करना है इस तरह के क्वेश्चन को अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या है देखिए जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन बने जिसमें कि आपको मल्टीप्लिकेशन ही इन्वॉल्व हो या सेपरेट से आपको उसमें एडिशन ही इन्वॉल्व हो या उसमें से डिफरेंस इन्वॉल्व हो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको दोनों साथ ही साथ चलती रहे जैसे कि देखिए दस से मुझे सौ बनाना है तो हो सकता है कि दस गुना दस कर दो तो सौ बन जाए ऐसा भी तो हो सकता है कि दस में नब्बे ऐड कर दो तो सौ बन जाए सौ से दो सौ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें हम अगर सौ ऐड कर देते हैं तो बन सकता है या सौ गुना दो कर दो तब दो सौ बन गया ऐसा भी हो सकता है और सौ से दो सौ से मुझे तीन सौ दस बनाना है तो क्या करना है कितना डिफरेंस है एक सौ दस का तो अब देखिए यहां पे एक सौ दस किए तब ये बन गया अब इसमें मुझे तीन सौ दस बनाया तो क्या करना पड़ेगा अब तो नहीं बना सकता ना ठीक है तो ये जो सेकंड सीरीज है ये आपकी गलत बन रही। ये जो हम मल्टीप्लीशन में कर रहे थे दो नंबर तो हमने बना लिए बाकी नहीं बन रहे थे ठीक है बट यहाँ पे प्लस नाइन्टी प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड और आगे क्या आएगा प्लस हंड्रेड एंड ट्वेंटी दस दस करके नंबर बढ़ रहा है ठीक है अब एक है तो इसमें एक ऐड करने पर क्या बन रहा है ये बन रहा है आपका चार तो चार जो है ऑप्शन डी में बन रहा है ठीक है क्लियर चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या गिवन है दो से बारह बारह से छत्तीस छत्तीस से अस्सी अस्सी से डेढ़ सौ देखिए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नंबर अलग से रिलेटेड हो देखिए अगर दो से बारह है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई सिक्स बारह से छत्तीस मल्टीप्लाई बाई थ्री छत्तीस से अस्सी कैसे बनाएंगे तो वो चीज़ हमें देखनी है ठीक है अब सबसे पहले अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या बन रहा है यहाँ पे बारह दस का और देखिए यहाँ पे ये 24 का बन रहा है और आगे इसमें कितना बन रहा है 80 से 36 माइनस कर लो ठीक है ये बन रहा है आपका चवालीस का तो यहाँ पे चवालीस का है और आगे, आगे आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है बट एक और चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान दें आप अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे बनाना चाहूँ तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि ये जो है ये है एक का स्क्यर और एक का क्यूब ठीक है एक का स्क्यर एक ही आएगा एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा ये बन रहा है दो का स्क्वायर जो कि बनता है चार और दो का क्यूब जो कि बनता है आठ तो आठ और चार कितने बने बारह ये किससे बना ये तीन का स्क्वेयर जो कि बनता है नौ और तीन का क्यूब जो कि बनता है ट्वेंटी सेवन सत्ताईस इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना बनेगा छत्तीस बन जाएगा इसी तरह से देखिए ये चार का स्क्वेयर जो कि बनता है सोलह और चार का क्यूब जो कि बनता है चौसठ इन दोनों का सम है दैट इज 80 बन रहा है ठीक है अब आप देखिए ये 150 कैसे बनेगा ये पाँच का स्क्वायर क्या बनता है 25 और पाँच का क्यूब क्या बनता है 125 इन दोनों का सम करेंगे तो 150 बन जाता है ठीक है क्या बनेगा आगे आगे बनेगा छः का स्क्वेयर और छः का क्यूब छः का स्क्वेयर कितना बनता है छत्तीस और छः का क्यूब कितना बनता है 216 इन दोनों को ऐड करेंगे तो दो बनेगा दो हमारे पास बन रहा है ऑप्शन बी में ठीक है तो ये है इसका आंसर है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गेवन है देखिए अगर हम ध्यान दें इस एकदम से यहाँ पे, पे, एक पे थोड़ा सा सा डिफरेंस 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 है देखिए थोड़ा ज़्यादा कोई नहीं हुआ बट पे एकदम से आ गया काफ़ी कम हो गया ठीक है और आगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है माइनस सात हो रहा है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को एक बार जरूर गौर करना है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नंबर का मल्टीप्लीस इन्वॉल्व हो ठीक है डिवीजन क्वेश्चन वो तो देखिए इसमें जो यहां पे नंबर्स अवेलेबल है 99 से 82 तो 99 से 82 कैसे बनेगा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 9 इंटू नाइन दैट इज कितना बन रहा है 81 81 में क्या करेंगे एक ऐड कर दो तो कितना बन गया 82 ठीक है अब 82 में क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बना? 16. इसमें तीन ऐड करने पे क्या बना 18. और, इन 3 करने क्या 11. और आगे क्या आएगा वन इंटू वन वन इंट वन दैट इज इक्वल टू वन इसमें प्लस वन था इसमें प्लस टू इसमें प्लस थ्री तो इसमें क्या आएगा प्लस फोर जो कि क्या बनेगा पांच जो कि ऑप्शन इसमें कौन सी बन रही है इसमें से ठीक है तो पांच इसमें से बन रहा है आई थिंक इसमें ऑप्शन जो है गलत जो है हमने ले लिए हैं तो उसमें क्या आएगा पांच इसका आंसर बनेगा तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है थर्टी टू से थर्टी सेवन थर्टी सेवन से फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन से फिफ्टी एट फिफ्टी एट से सेवनटी वन ठीक है ये अलग टाइप था मैं आपको कुछ टाइप्स भी बीच में बता रहा हूँ टाइप पे ध्यान देना है ठीक है इसमें आपको विद इन नंबर मल्टीप्लीकेशन का टाइप था ये और इस क्वेश्चन में क्या है वो चेक करना देखिए बत्तीस से सैतीस क्या कर रहे हैं पांच ऐड कर रहे हैं सैंतीस से सैतालीस क्या कर रहे हैं दस ऐड कर रहे हैं सैतालीस से अट्ठावन क्या ऐड कर रहे हैं ग्यारह ऐड कर रहे हैं और आगे देखिए इसमें तेरह ऐड कर रहे हैं ठीक है अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या बनता है पांच इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो दस बनता है इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो क्या बनता है ग्यारह इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तेरह और इन दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या मिल रहा है आठ अगर हम इकहत्तर में आठ ऐड करते हैं तो क्या बनता है सेवनटी नाइन जो कि ऑप्शन ए बन रही है ठीक है तो ये एक अलग से टाइप है जिसमें कि नंबर के जो डिजिट्स हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है और उसी को आगे उसमें इसे एक सीरीज बना दी जाती है ठीक है चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप है मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे जिसमें कि आपको मल्टीप्लेसन हाफ से भी करना पड़ सकता है वन से भी वन पॉइंट फाइव से भी करना पड़ सकता है उस तरह के क्वेश्चन भी होंगे अब देखिए ये एक अलग टाइप है आप पहचान जाओगे इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सिक्सटीन से जैसे नंबर है पहले नंबर से जब उसका हाफ़ हो गया और हाफ के वन टाइम के जब करीब आ गया तो एक सीरीज चलेगी देखिए यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई बाई हाफ़ या मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो पॉइंट फाइव ठीक है आगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाई वन फिर आगे देखिए आठ से बारह हुआ तो आठ से बारह कैसे बनेगा देखिए आठ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा वन पॉइंट फाइव से तो क्या बनेगा पंद्रह आठ एक सौ बीस मतलब ये क्या बनेगा बारह बन जाएगा या इसको इस चीज़ को तोड़ के देखो आठ गुना एक प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव तो क्या बनेगा आठ का मल्टीप्लाई एक से किए तो आठ और आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई जब हाफ से करेंगे तो क्या बनेगा ये चार आठ और चार कितने हो गए बारह तो ये बन गया तो इसका मीनिंग है है कि यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। और आगे देखें बारह से चौबीस कैसे बना मल्टीप्लाई बाई टू अब आप सीरीज पे ध्यान देना क्या हुआ पहले आधा था आधे का डबल आधा फिर एक फिर डेढ़ फिर दो मतलब हाफ हाफ हाँ करके बढ़ रहा है तो दो में भी हमें इसमें हाफ ऐड किया था इसमें हाफ ऐड किया था इसमें भी आप उसमें तो भी आपके क्या करना पड़ेगा हाफ ऐड करना पड़ेगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी तरह से करते हैं देखिए 24 का किससे मल्टीप्लाई करना है 24 का 2.5 से करना है मतलब 2 और 0.5 से 2 का मल्टीप्लाई से किया तो 40 40 uh, 24 का 2 से 48 और आगे देखिए इसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 24 का हाफ कितना होता है 12 तो 12 तो, तो इसमें अड़तालीस और बारह को जब हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है साठ बनता है जो कि ऑप्शन सी में बन रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है देखिए जब हाफ बन गया किसी नंबर का उसके रिलेटेड उसके हाफ के नज़दीक बन गया और उसके वन टाइम के नज़दीक बना तो ये वही सीरीज चलेगी क्या बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हाफ़ और क्या हो रहा है उसमें उसमें एक ऐड कर रहे हैं बत्तीस का आप हुआ सोलह सोलह में एक ऐड कर दिया सत्रह बन गया सत्रह से मुझे अठारह है तो क्या करना है गुना एक जमा एक फिर अठारह से मुझे सैंतीस बनाना है अब यहाँ पे देखिए अठारह का दो गुना उससे एक ज्यादा तो गुना दो जमा एक ठीक है और आगे देखिए सैंतीस से मुझे क्या करना है अगले नंबर को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा देखिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज है वो जो चल रही है प्लस वन तो सभी जगह कर रहे हैं बट इसमें देखिए मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं पहले हमने हाफ किया हाफ का डबल होता है एक एक का डबल दो दो का डबल क्या हुआ चार तो यहां पे जो मल्टीप्लीशन होगा वो होगा चार ठीक है तो आ, इसमें चार से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बनेगी सेवन फोर ज्वेंटी एट फोर थ्री ज्वेल्व तो ये क्या बन जाएगा ये टू ऐड करने पे फोर्टीन वन फोर्टी एट इसमें एक ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे वन ऐड होगा तो ये वन फोर्टी नाइन बनेगा वन फोर्टी नाइन जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है बी ठीक है तो ध्यान देना है क्वेश्चन पे किस तरह से बन रहा है ठीक है आपको बस क्या करना है अगर इसको इस सीरीज़ को आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आप बना पाओगे ठीक है चलिए अब आपके नेक्स्ट जो है इसमें हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही है अल्फाबेट्स हैं अल्फ़ाबेट किस तरह से इसमें गिवन है देखिए सी एक्स अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि आपको अपोजिट्स याद रखने मैंने शुरू में बताया भी उसको भी आप रिमाइंड कर सकते हो देखिए पहले अगर हम इसमें देखें तो उसमें हमें पहले पहले डिजिट पे ध्यान देना पहले अल्फ़ाबेट पे ध्यान है जो यहाँ पे इसमें क्लस्टर जो दिख रहा है दो लेटर्स हैं तो सी से डी बना डी से ई e, e से एफ एफ से जी जी से क्या बनेगा एच और देखिए यहाँ पे एक्स से डब्ल्यू 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20, 20 से क्या बनेगा तो, आ, क्या बनेगा इसमें 19, 19 पे क्या आता है एस तो एच एस बनेगा आप ऐसे भी कर सकते हैं साथ ही साथ देखिए C का ऑपोजिट होता है X, D का ऑपोजिट W, E का ऑपोजिट V, F का ऑपोजिट U, G का ऑपोजिट T और H का ऑपोजिट S, R का ऑपोजिट I, ठीक है तो अगर आपने एक बार ऑपोजिट्स को गो गोथ्री किया होगा तो आपको आपके लिए बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है इजीली आप कर पाओगे ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है पेपर्स में से क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें ये दी गई सीरीज बी 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 स्मॉल है कैपिटल है सी स्मॉल है ई e कैपिटल है ई e स्मॉल है एच कैपिटल एच स्मॉल है एल कैपिटल है ठीक है ठीके? जो चीज आपके पास पहले कैपिटल है वो स्मॉल बन रही है देखो बी सी एच एल और आगे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहां पे तो बनेगा हमारे पास एल जो कि स्मॉल है ठीके? और इसमें आगे क्या बनेगा देखिए ये दो से तीन हुआ तीन से पाँच पाँच से आठ आठ से बारह क्या गैप आ रहा है दो से तीन एक ऐड कर रहे हैं तीन से पाँच दो ऐड कर रहे हैं पाँच से आठ तीन ऐड कर रहे हैं और आठ से बारह चार ऐड कर रहे हैं और बारह में पांच ऐड कर दो तो क्या बनेगा सत्रह सत्रह में क्या बनेगा सत्रह पे क्यू बनेगा ठीक है तो क्यू क्या आएगा क्यू इसमें बड़ा आएगा ये तीन क्यू आएंगे ठीक है तो एल एल क्यू 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 ये बन रहा है आपका ऑप्शन सी में आगे देखिए क्यू के बाद क्या बनेगा इसमें सत्रह में अगर मैं ऐड कर छूँ तो सात और छ तेरह तेरह पे सॉरी सत्रह में ऐड करना है तेईस तेईस पे क्या बन रहा है तेईस पे बनता है डब्ल्यू तो डब्ल्यू हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे इसी में दिख रहा है क्यू के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक है तो ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है आगे देखिए ये भी हमारा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे ए से एफ एफ से के पहले पहले लेटर पे ध्यान देना एक छः ग्यारह सोलह क्या हो गया पांच ऐड किया आगे भी पांच ऐड किया आगे भी पांच ऐड किया और आगे भी क्या करेंगे पांच ऐड करेंगे तो सोलह पांच इक्कीस इक्कीस का मतलब क्या है यू जो कि हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है इसमें क्या है आगे क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड मतलब यही ऑप्शन आएगी ठीक है अगर हम दूसरे लेटर पे ध्यान दें देखिए ये तीन है ये आठ है तेरह और अठारह तीन से आठ कैसे बनेगा प्लस पाँच आठ से तेरह कैसे बनेगा प्लस पाँच तेरह से अठारह कैसे बनेगा प्लस पाँच और अठारह से अठारह में पाँच ऐड कर दो तेईस तो तेईस का मतलब यू के बाद डब्ल्यू आएगा यहाँ पे ठीक है ये इसमें आंसर बन रहा है ठीक है और एक देखिए यहाँ पे इसमें प्लस टू कर देते हैं तब भी वही चीज़ बन रही है इसमें प्लस टू करके भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ये यह आपका तीन लेटर का क्लस्टर है इस इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से बनाएंगे ए से देखिए बी बन रहा है बी से सी सी से डी तो आगे क्या आएगा ई e, ई e से सभी ऑप्शन है ठीक है अब जो बीट बीच का अगर आप लेटर देखें तो यहाँ पे सिमिलर है फर्स्ट और लास्ट ठीक है और लास्ट लेटर की बात करें तो इनमें दोनों में सिमिलर है ठीक है तो अगर हम इसमें से किसी एक को फाइंड आउट कर लें ठीक है तो हम दूसरे को फाइंड आउट देखो जैसे सी से डी डी से ई e, ई e से एफ एफ से क्या बनेगा जी मतलब जी वाली ऑप्शन या तो ये बनेगी या फिर ये लास्ट लेटर पर देखते हैं E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I. तो मतलब ये ऑप्शन डी इसमें आंसर बन रहा है ठीक है ई जी आई अब ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है लेटर सीरीज मतलब इस तरह से हमें लेटर का कुछ दिया होगा उसमें हमें काउंट करना पहले है पहले लेटर्स कितने ठीक है अब ध्यान देने वाली बात है देखिए यहाँ पे अगर आप इसको इजीली बिना काउंट किए भी करना करें तब भी कर सकते हैं जैसे एन के जस्ट पहले क्या है ए तो ऐसे किया जा सकता है पहले मैं आपको वो मैथड बताता हूँ जो कि हमारा चलता है ठीक है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह का मतलब है या तो पाँच का बनेगा सेट या फिर तीन का अब यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे एम मिल रहा है इसके बाद भी यहाँ पे क्या मिल रहा है इधर एम मिल रहा है तो मतलब अगर मैं इसमें तीन तीन के अगर मैं सेट बना दूँ तो ये तीन तीन में सेटिस्फाई हो जाएगा जैसे इसमें बना मैन इसमें भी मुझे मैन बनाना है और इसमें मुझे मैन बनाना है और यहाँ पे भी एम और एन और यहाँ पे एन तो क्या मिलेगा ए एम 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 कहाँ पे मिल रहा है ए एम एम और आगे देखिए यहाँ पे एन एन तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है ठीक है और आगे देखिए यहाँ पे ये यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या क्या बने एक्स वाई और अगर हम ध्यान दें इस जगह पे या इस जगह पे आप कैसे बिना काउंट किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं देखिए यहाँ पे y के बाद क्या है x है तो हम यहाँ यहाँ पे x पुट कर देते z के बाद क्या है p x y x z p x के y के पहले क्या है x ठीक है और आगे देखिए यहाँ पे डबल x आ तो डबल x आ गया आगे फिर इसके बाद क्या आएगा p के बाद x है तो p के बाद x है और उसके बाद भी क्या आएगा x तो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स तो ये बन गया एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स ये बन गई हमारी सीरीज तो हमें सिर्फ गिन के इसमें से पांच लेटर फाइंड आउट करने थे जो कि क्या है x p z x x एक्स पी जेड एक्स एक्स जो कि हमारा क्या बन रहा है ये ऑप्शन ए में बन रहा है ठीक है चलिए ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमें कैसे फाइंड आउट करना है कैसे क्या चीज़ हमें यूज करनी है सेम इसी में उसी मैनर में करेंगे देखिए यहाँ पे B के बाद Y है इस B के जस्ट पहले इस Y के जस्ट पहले क्या होगा B ठीक है अब देखिए Y के बाद क्या है T तो ये बन गया और इस पे ध्यान दें अभी यहाँ पे इसमें B बन रहा है अगर हम काउंट करें काउंट करने पे कितने बन रहे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह है तो या तो चार का बनेगा सेट या फिर तीन का ठीक है तो देखिए यहाँ पे कितने बन रहे हैं अगर मैं इनको काउंट करूँ एक दो तीन चार ये बन गया पहला सेट ठीक है सेकंड देखिए बी बी वाई टी ये दूसरा सेट बी बी वाई टी ये तीसरा सेट तो इस तरह से आप बना सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है बी टी बी टी और बी बी टी बी टी बी ये बन रहा है बी टी बी टी बी ऑप्शन बी ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सीरीज़ के रिलेटेड थे आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा और आपने क्वेश्चन को भी अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा ठीक है तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू